else. Who will contest from Srinagar? Who will contest from Baramulla? These are decisions that the party parliamentary board will take on the directions of the party president. You leave it to us, whoever we feel is the most appropriate candidate for these two constituencies will be fielded on behalf of the National Conference, and we hope and expect that our candidates will receive widespread support from the voters in all the constituencies. Well, sir, Ms. Mufti has said that she feels disappointed and her workers feel dismay after the remarks made by Omar Abdullah about her party. What is your take? I have not made any remarks about her party, and therefore I have nothing to say on this. Amar sahab, Mehbooba Mufti ne kaha hai ki wo panch seats jo hain un pe apne candidates khada karenge. Abhi thodi der pehle press conference bhi hai unki party headquarters pe. Kya kehna chahenge? Main kuch nahi kahunga na. Main kya keh sakta hu isme? अगर पांच की पांच सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है तो उनकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकता हूं उनको। लेकिन आप कश्मीर की तीन सीटों पे हमने उन्हीं के फॉर्मूला के बुनियाद पे कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आपको याद होगा जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शनों में हमने पहले उनसे कहा था कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पर कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। वो उस वक्त पीडीपी को काबिले कबूल नहीं था। पीडीपी ने उस वक्त हमसे कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बुनियाद पर नहीं, 2014 के असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पर जो है कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। फैसला ये हुआ था कि जो जहां से जीता वहीं से उनके कैंडिडेट जो है उठाए जाएंगे और हम उस पर कायम रहे। तो इस बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन में वही फॉर्मूला इख्तियार हुआ, जहाँ से हम जीते वहाँ से हमने कैंडिडेट्स का फैसला किया था। ये हमने उनसे ज़रूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो पांच की पांच सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था। अब अगर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है। आजाद साहब हैज चोजन टू फाइट फ्रॉम अनंतनाग राजौरी पुंछ। आई वुड हैव थॉट दैट इफ ही इज दैट कीन टू एंटर पार्लियामेंट ही शुड हैव फॉट फ्रॉम हिज बैस्टियन। His strength is believed to be Chenab Valley. I would have thought he would have fought the Udhampur seat. The fact that he is not fighting Udhampur and is fighting from Rajouri Poonch, clearly there is more than meets the eye. जैसे कहते हैं दाल में कुछ काला है। अब क्या वजह है, किस प्रेशर में आके वो अनंतनाग Rajouri Poonch से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे बेहतरीन और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोगों के सामने हमने पेश किया हुआ मियां अल्ताफ साहब, और कोई भी उनके मुकाबले में हो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारी अक्सरियत से मियां साहब की कामयाबी होगी। Umar sahab, one last question. Sanjay Singh has been given a bail after being in the jail for 6 months, but even ED chose not to oppose the bail. How do you see this move? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी के केस पे सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि एविडेंस है नहीं, सबूत है नहीं और केस बनता नहीं है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के बाद ईडी ने उनके बेल को जो है अपोज नहीं किया। आमतौर पे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि इस केस में कोई ज़्यादा दम है नहीं। अदालत से हम यही उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ इन एजेंसियों की जो है गलत इस्तेमाल की जा रही है सियासी वजूहात के बुनियाद पे, वहाँ पे कोर्ट्स जो हैं अपना जोर और अपना इन्फ्लुएंस और अपना फैसला इस तरह इस्तेमाल करें कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल ना हो। देखिए, जो जहाँ पे धांधली हुई है, जहाँ पे करप्शन हुआ है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे केसेस जो हैं वो पॉलिटिकल हैं, जहाँ पे सिर्फ इलेक्शन में उसका जो है एजेंसियों का असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे हम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जो है लोगों को मिलेगा।